यूपी के हाथरस जनपद में विधानसभा चुनाव के चलते राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के नेता एस जलालुद्दीन शाह अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीएसपी में शामिल हुए। दरअसल हाथरस विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं लोकसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजित हुआ, जिसमें नगर पंचायत विजयगढ़ के चेयरमैन संजीव कुमार काका और एस जलालुद्दीन शाह ने बीएसपी में प्रवेश किया। बीएसपी नेता सतीश चंद्र ने उनको फूल हार माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया और 2020 के चुनाव में यूपी में बीएसपी की सरकार बनाने का दावा किया। पेश है हमारे हाथरस के संवाददाता मुस्किन अली की एक खास रिपोर्ट। का रास्ता बाहर दिखाया जाता है और हमारी पार्टी में नेता जो है वो बनता है और नेता बनाने के बाद फिर जब नेता बन जाते हैं तब ये कहते हैं हम नेता हो गए, हम घर जा रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी पार्टी का बहुत बड़ा मामला हुआ था। देखिए मैं आज कहना चाहूँगा कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा आघात हुआ, बहुत बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे की भरपाई नहीं हो सकती। हमारे कमांडर इन चीफ पूरे सारे तीनों सेनाओं के थे, हादसे में मृत्यु हो गई है, उसमें उनके साथ में उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई है और उनके साथ में 12 और लोगों की भी मृत्यु हुई है। हम लोग इसके लिए बहुत अफसोस है और मैं हम लोग बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहन मार दी जी ने हमारी पार्टी मुखिया ने कल अपना शो किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं INS न्यूज टीवी चैनल। मैं रिपोर्टर शाहिद अली शाह के साथ कैमरामैन मयूर खान की रिपोर्ट। आज हम देखते हैं जनपद हाथरस के अंदर मास्टर जलालुद्दीन साहब बहुजन समाज पार्टी में आज सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। जरा इनसे हम बात करते हैं। पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी, आपका नाम क्या है? जलालुद्दीन साहब, आप बहुजन समाज पार्टी तो अपनी के लोगों के साथ में तो आपने लोकल पार्टी से और हाथरस से लड़ा था और बहन जी की नीतियों से खुश होगा और ये नारा है आपका सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय को लेकर। मैं सभी दल के लोगों के साथ बहुजन समाज पार्टी हाँ जनता के लिए काम करेंगे। जो जनता के लिए सारे काम है करने के लिए सारे काम करोगे, जायज हर काम होगा। आपकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी 2022 में विधानसभा चुनाव आने वाले, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? हम तो चाह रहे हैं भाई पूरी सीट पर 403 विधानसभा। कोरोना काल में जैसे चल रहा है, कोरोना काल में जो तीसरी लहर आने वाली है, तीसरी लहर में तो चुनाव भी आने वाला है, तो इसके बारे में आप कुछ कहोगे? हम पूरी उसके जो भी गवर्नमेंट का कोविड का वो होगा उसको देखते हुए और जो काम गवर्नमेंट की तरफ से हमको मिलेगा जो आदेश होगा उसके तहत काम करेंगे। तो आपकी इसकी रूलिंग होगी सरकार की, उसको तहत काम करेंगे। तो पूरे तरीके से पूरे बहुमत से आप बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करोगे? सारी जनता के साथ में, सारे कार्यकर्ता आपके साथ आया, सभी के साथ लेकर बहुजन समाज पार्टी के साथ बिल्कुल आप सदस्यता ग्रहण करोगे सर? आपको क्या बनाया जाएगा पार्टी में? मुझे नहीं पता, मैं तो सदस्य ग्रहण करता हूँ, मैं तो कार्यकर्ता हूँ, काम करूँ। अच्छा, आप कार्यकर्ता हो? आज की डेट में कार्यकर्ता हूँ और जो भी मुझे कोई भी मिलता है चाहे उसको करने को तैयार हूँ। जो भी जिम्मेदारी मुझको मिलती है मैं पूरी तरीके से निभाऊंगा। जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाओगे? ठीक है सर। जनपद आगरा से शाहिद अली की रिपोर्ट, INS न्यूज चैनल, कैमरामैन मयूर खान के साथ। नमस्कार।